प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सत साही गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशुन धुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीर्तल। उज्ज्वल हीरंबर हर दमम बेपरवा अथा है वर पर नहीं मद्यतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊ गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊ आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धि दाता सोई अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे समरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे शेष 88 उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे से 88 उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। सत साही कर जोरू विनती करूं धरूं चरण पर शीस। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम।
कुत्ता हूँ गुरुदेव का, रामपाल दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी, जांखें चोवा जांग, तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सोखूं। जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए, चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूं जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूं, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हमसे तुमको बहुत हैं, तुम जैसे हमको नाहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव बिरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं, अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हारे, बावे बंदा बख्स दियो, बावे गुर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी, बक्सो गरीब निवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ, बोर पिता कुलाज, मैं अपराधी जन्म का, नख सिक भरे विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो समार। सूरत करो मम साईया, हम हैं भव जल माही, आप ही बह जावांगे, जो तुम न पकड़ोगे बाँह। परम पिता परमात्मा, पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं ये सत्संग श्रवण कर रहे हैं। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बोहर नहीं लगता डार। मानुष जन्म पाए के जो नहीं रटे हरिनाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। मानुष जन्म प्राप्त करके जो प्राणी परमात्मा की साधना नहीं करते हैं, यदि वो साधना कर भी रहे हैं तो वो शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, वो अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। परमात्मा ने ये मनुष्य जीवन, इस प्राणी को केवल परमात्मा की साधना करके जन्म और मृत्यु के इस दीर्घ रोग से छुटकारा पाने के लिए उपलब्ध करवाया है।
और हम सभी मानव शरीरधारी प्राणी परमात्मा की महिमा से अपरिचित होने के कारण हम अपने इस मानव शरीर का सदुपयोग ना करके दुरुपयोग करते हैं। जिस कारण से हम इस जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग में बहुत वर्षों युगों से ग्रस्त हैं और यहाँ नाना प्रकार के हम यातनाएं भोग रहे हैं। हम जिस लोक में रह रहे हैं ये काल भगवान का लोक है, जो गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में कहता है कि अर्जुन मैं बड़ा हुआ काल हूँ और अब परिवर्त हुआ हूँ, यानी अब मैं आया हूँ। इन सभी योद्धाओं को यदि तू ना युद्ध करेगा तो भी मैं मारूंगा, तू तो निमित्त मात्र है। वो काल कौन है? वो श्री कृष्ण जी नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण जी ने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा और गीता के उपदेश के बाद भी कहीं पर भी उन्होंने अपने आप को काल नहीं कहा। तो इससे सिद्ध है कि जो काल अपने आप को काल कहता है गीता बोलते समय, वो श्री कृष्ण जी से भिन्न है और वो श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश होकर के ये सब बातें बोल रहा है। उस काल भगवान को ब्रह्म भी कहते हैं। चारों वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों को जो जानने वाले माने जाते थे ऋषि, महर्षि, ब्राह्मण, वो कहा करते कि वेदों में ब्रह्म भगवान है, ओम उसका नाम है और वो ही सर्वेश्वर है। कुछ एक जो अपनी बुद्धि को अत्यधिक प्रवर मानते थे वो ये कहा करते कि हम अन्य पूजाएं नहीं करते, हम केवल ब्रह्म साधना करते हैं और अन्य देव भगवानों की पूजा नहीं करते, नहीं करनी चाहिए। तो वो अपने आप को एक बहुत अच्छा श्रेष्ठ और साधक मानते थे, क्योंकि वे कहते थे हम ब्रह्म साधना करते। तो ब्रह्म भी ये काल है, इसी को ब्रह्म कहते हैं। वास्तव में ये सर्वब्रह्म है, सर्वब्रह्म, इसको सर्वपुरुष भी कहते हैं। सर सर्वमन नाशवान क्षर, और ये 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, स्वामी है 21 ब्रह्मांड। एक ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु जी का लोक, शिव जी का लोक, ब्रह्मलोक, एक धर्मराय यानी न्यायाधीश का लोक, 88,000 खेड़े, सपतपुरी, अतल अवतल ये नीचे के साथ लोक, ये कुल मिलाकर ये एक ब्रह्मांड के अंदर सामग्री है। ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड हैं, उन 21 ब्रह्मांडों का स्वामी ये काल है, ब्रह्म है, सर्वब्रह्म है, इसको सर्वपुरुष भी कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 तक, वैसे तो पूरा 15वां अध्याय ऐसे निर्णायक ज्ञान से परिपूर्ण है, फिर भी एक संक्षिप्त में जानने के लिए ये चंद श्लोक ही हमें पर्याप्त हैं। 15वें अध्याय का 1-4 तक और 16 और 17,
इनमें स्पष्ट किया हुआ है कि ये एक संसार रूपी वृक्ष है। ऊपर को जो मूल है, जड़ है, वो तो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। गीता ज्ञान दाता स्वयं बता रहा है, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपने जो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में जिस तत् ब्रह्म के विषय में कहा है कि तत् ब्रह्म को जानकर, सारे आध्यात्मिक ज्ञान को समझकर और सभी कर्मों से परिचित होकर प्राणी केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है। जरा मीन बुढ़ापा, वृद्धावस्था, और मरण मृत्यु डेथ, वो केवल फिर जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है। संसार की किसी भी वस्तु को नहीं मांगता परमात्मा से। तो अर्जुन ने अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में पूछा, फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है, क्या है? गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। यानी गीता ज्ञान दाता से कोई अन्य परम अक्षर ब्रह्म। अब यहाँ 3 प्रभु हैं जो मुख्य तौर पर, एक सर्वब्रह्म, दूसरा अक्षर ब्रह्म और तीसरा परम अक्षर ब्रह्म। अब ब्रह्म का अर्थ होता है प्रभु, स्वामी, यानी जो अपने जो अक्षेत्र में अन्य से उत्तिष्ठ हो, बड़ा हो, उसको ब्रह्म कहते हैं। तो ऐसे ये ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। स्वामी कहो, प्रभु कहो, मालिक कहो, ये सर्वब्रह्म कहलाता वास्तव में, लेकिन ये ब्रह्म नाम से प्रसिद्ध हो गया। जिनको अन्य परमात्मा की पूरी स्थिति का ज्ञान नहीं था, अध्यात्म ज्ञान नहीं था, उन्होंने ब्रह्म को सुप्रीम मान लिया, यानी इस काल को, 21 ब्रह्मांड के स्वामी को। तो सर्वब्रह्म और दूसरा अक्षर ब्रह्म और तीसरा परम अक्षर ब्रह्म, इन्हीं तीनों को अन्य शब्दों में कहते हैं सर्वपुरुष। सर्वब्रह्म कहो चाहे सर्वपुरुष, सर्वपुरुष हम अपनी जो है ना संत लैंग्वेज में, हमारे भगवानों ने कहा है, परमात्मा ने, कबीर जी ने, गरीबदास जी ने या अन्य महापुरुषों ने जिनको परमात्मा मिला, संत भाषा में वो सर्वपुरुष बोलते हैं। क्षर, क्षर माने नाशवान, अक्षर अविनाशी, अक्षर जिसका नाश ना हो। लेकिन यहाँ इस गीता अध्याय नंबर 15 के अंदर 16 और 17 में एक विशेष व्याख्या है। वैसे अध्याय 15 1 से लेकर 4 श्लोक और 15-16 में एक विशेष व्याख्या है कि उल्टा लटका हुआ ये संसार रूपी वृक्ष जानो, जिसकी ऊपर को जड़ है और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊर्ध्व माने ऊपर को, अधः माने नीचे को, ऊपर को मूल वाला और नीचे को शाखा वाला, एक ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष जानो। और इसके छंद यानी इसके विभाग पत्ते आदि हैं, और इनको जो संत तत्व से जानता है, इनके भिन्न भिन्न विभागों को बता देगा, स वेदवित वह तत्वदर्शी संत है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। तो 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 में
एक विशेष व्याख्या ये भी है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जो तत्व से जानता है, यानी उनके सभी भाग को बता देता है, सवेदवित वो तत्वदर्शी संत है। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, आपको ये अनमोल ज्ञान सुनने को प्राप्त हो रहा है। ना जाने कौन से जन्मों में आपने कितने पुण्य और अच्छी साधनाएं की हुई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये परमात्मा का ये ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है। अब आप बहुत बुद्धिमान हो, आज परमात्मा ने रजा बख्शी है आपको अक्षर ज्ञान कराया, और इस अक्षर ज्ञान की एक्सरसाइज से आपका माइंड बहुत विकसित है। लेकिन उस माइंड को हम फिर दुरुपयोग करने लगे, परमाणु बम बनाने लगे, वायुयान बनाने लगे, जबकि इस अक्षर ज्ञान से और परमात्मा के द्वारा दिए गए इस प्रोसीजर से आपका माइंड विकसित हुआ है। इसको भगवान की तरफ लगाना चाहिए था हमने, और ये मारण मरण के साधन तो किसी तरह बना लो, ये तो कभी भी बना लो, इनका ये तो विनाश के कारण है। अज्ञानता का एक मुख्य प्रमाण है जो इस तरह की होड़ में लगे हुए हैं। तो हमने सबसे पहले तत्व ज्ञान को समझना भगवान को। अब जैसे यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा है कि वह तत्वदर्शी संत है जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को, पार्ट्स को विस्तार से बताता है। अब गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में एक प्रमाण आया है कि गीता ज्ञान दाता अपनी अल्पज्ञता सिद्ध करता है, अर्थात उसको पूर्ण ज्ञान नहीं है, आध्यात्मिक अध्यात्म ज्ञान नहीं है उसको, इसलिए वो कहता है कि उस तत्व ज्ञान को, जो तत्व ज्ञान है उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न करने से, सरलतापूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। यानी गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य किसी परमात्म परमात्म श्रेष्ठ परमात्मा का ज्ञान जानने की कह रहे हैं। तो वो तत्व ज्ञान कैसा है, कहाँ है? गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञान दाता ने कहा कि जो अभी मैंने तेरे सामने 25 से लेकर 30 तक श्लोकों में इसी चौथे अध्याय में सबकी साधनाओं का वर्णन किया है, कोई तो ऊपर को पैर करके नीचे को सिरासन करके योग अभ्यास करता रहता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, और कोई अपने श्वास प्राणायाम आदि करके इसी क्रिया को देखता रहता है अपने ध्यान से, इसी को मोक्ष मानता है, कोई अन्य साधनाएं करते हैं, और सभी साधक अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं, यानी कल्याणकारक मानते हैं। फिर बताया है कि ये धार्मिक यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, यानी परमात्मा के पाने की विधि, उनकी जानकारी। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि इस प्रकार के, जैसा कि अभी 25 से लेकर 30 तक श्लोकों में जो वर्णन है, इस तरह की साधनाएं और परमात्मा की यथार्थ साधना विस्तार पूर्वक कौन सी करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, उसकी जानकारी ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के मुखारविंद से, मुख कमल से उच्चरित वाणी में, अर्थात तत्व ज्ञान में विस्तार से कहा गया है। और उसको तू जानने के बाद फिर सभी प्रकार के कर्मों से, बंधन से मुक्त हो जाएगा। अपने आत्माओं, यहाँ पर अनुवादकर्ताओं ने, गीता अनुवादकर्ताओं ने चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में एक ब्रह्मणे मुखे शब्द है, यहाँ इन्होंने अज्ञानता से अनर्थ कर दिया,
ब्रह्मणे मुखे का अर्थ कर दिया इन्होंने वेद की वाणी, ये गलत कर दिया। जबकि यही अनुवादकर्ता गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में स्पष्ट कर रहे हैं, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मणे त्रिवेद समर्थ है, यानी ब्रह्मणे शब्द है वहां 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में भी, वहां इन्होंने लिखा है ब्रह्मणे का अर्थ किया है सचिदानंद घन ब्रह्म का, यानी उस परम अक्षर ब्रह्म का। ओम तत्सत ये तीन मंत्र का जाप का निर्देश है और वो तीन प्रकार से सिमरण किया जाता है, नथिंग एल्स, यही एक मंत्र है उस सचिदानंद घन ब्रह्म के पाने का। तो ब्रह्मणे का अर्थ वहां ठीक किया है, यहां ये विचलित हो गई। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में इन्होंने गलत अनुवाद कर दिया, ब्रह्मणे मुखे का अर्थ इन्होंने वेद की वाणी कर दिया। ये करना था सचिदानंद घन ब्रह्म के मुखे माने मुख कमल से उच्चरित वाणी में, कबीर वाणी में, कबीर वाणी में विस्तार से कहा गया है, वो तत्व ज्ञान है। तो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा कि उस ज्ञान को जिसमें परमात्मा का विस्तार से ज्ञान है, बिल्कुल बहुत ही विस्तृत जानकारी दी गई है, वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, यानी एक अनमोल वस्तु प्राप्त किसी से करना है तो सामने वाला भी भाव देखेगा कि अधिकारी भी है कि नहीं। अति आधीन दीन हो प्राणी और वाह को कहना ये अमर कहानी, यानी ये ज्ञान उसी को बताया जाता है जो अति दीन होकर के सुनना चाहे, उसके अंदर जगह हो परमात्मा के ज्ञान को ग्रहण करने की। तो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिस तत्वदर्शी संत के पास जाने को कहा है तो उसकी पहचान बताई है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में, इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को जो संत बतावेगा जड़ से लेकर पत्तों तक सवेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। तो पुण्यात्माओं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 86, 86, मंत्र 26-27 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त 82, मंत्र 1, 2, 3 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9, मंत्र ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के मंत्र नंबर 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 16 से 21 तक, और भी अनेक स्थानों पर ये स्पष्ट किया गया है कि कबीर नामक परमात्मा वो एक जीवन ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और सूक्त नंबर 31 के मंत्र नंबर 17 में, इन सब का मिलाकर सारांश ये बनता है कि एक कबीर देव, कबीर साहब नामक परमात्मा एक जीवन एक जन साधारण की तरह जीने के लिए, रहने के लिए, एक एग्जाम्पल देने के लिए इस पृथ्वी लोक पर आता है, सह शरीर आता है और शिशु रूप धारण करता है छोटे बालक का, और वो ब्रह्म मुहूर्त में आता है और वो किसी तालाब के ऊपर प्रकट होता है, किसी तालाब में जल के स्रोत पर आकर प्रकट होता है, और जब वो बालक रूप में अपनी लीला कर रहा होता है उसके परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है,
कंवारी गायों से होती है। और जब वो बड़ा होता है, वो परमात्मा स्वयं ही एक अच्छे नागरिक की भूमिका करता है, स्वयं ही वो तत्वदर्शी संत की भूमिका करता है, और स्वयं ही वो एक सुयोग्य शिष्य की भूमिका करता है, और स्वयं ही वो जगत गुरु यानी तत्वदर्शी संत होता है। उसकी भूमिका भी वो स्वयं ही करते हैं। और परमात्मा तो वो होते ही होते हैं। अपने यथार्थ ज्ञान को यानी अपनी महिमा की वाणी को, अपनी महिमा के ज्ञान को वो स्वयं ही अपने मुखारविंद से कविताओं के माध्यम से, काव्यना कविताओं के द्वारा, लोकोक्तियों के द्वारा, शब्दों के द्वारा, शब्दालियों के द्वारा ऊंचे स्वर में आवाज लगा लगा कर बोलता है, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवि की भी उपाधि प्राप्त करता है। और उसके द्वारा बोली गई कबीर वाणी, उनके द्वारा दिया गया यथार्थ ज्ञान वो कबीर वाणी होती है। और उस वाणी के अंदर वो तत्व ज्ञान होता है, परमात्मा की महिमा विस्तार से कही गई होती है। तो यहाँ परमात्मा अपने मुखारविंद से उच्चारित वाणी द्वारा अपना ज्ञान, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का ज्ञान और अपने पाने की यथार्थ विधि यानी सतलोक जाने की और जन्म और मृत्यु के इस रोग को कटाने की वो विधि बताने आते हैं। उसमें वो तत्वदर्शी संत भी स्वयं ही होते हैं, और पृथ्वी पर कोई तत्वदर्शी संत नहीं होता। वो होते परमात्मा हैं, लेकिन वो एक प्रसिद्ध कवि इसलिए मान लिए जाते हैं भोली जनता के द्वारा, क्योंकि वो अपनी महिमा की वाणी को अपने मुखारविंद से, लोकोक्तियों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, दोहों के माध्यम से बोलते हैं, लेकिन वो होते हैं परमात्मा, अमर पुरुष होते हैं। वो परमात्मा अपने सतलोक में रहते हैं, तीसरे मुक्ति धाम में, यानी एक तो सर्वपुरुष का अक्षेत्र, 21 ब्रह्मांड का ये इसका राज्य है, इसका इतना ये प्रभु, इसके ऊपर ये ब्रह्म है, इतना स्वामी है सर्वपुरुष, और दूसरा 7 संख ब्रह्मांड का अक्षेत्र है, वो अक्षर पुरुष का है, अक्षर ब्रह्म कहो अक्षर पुरुष कहो, और इन सब के ऊपर और अन्य असंख्य ब्रह्मांडों का जो स्वामी है, प्रभु है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो कबीर देव है, वो उसका वास्तविक नाम कबीर साहब है, कबीर है, हम साहब अपना भगवान है इसलिए हम साहब बोलते हैं। अब जैसे अपने देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शरीर का नाम तो अन्य ही होता है, लेकिन प्रधानमंत्री उनके पद का नाम होता है। इसी प्रकार ये परम अक्षर ब्रह्म कहो, इन्हें सत्य पुरुष कहो, सत्य पुरुष माने अविनाशी प्रभु, पुरुष माने परमात्मा। तो ये सत्य पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष, ये तो उनके पोस्ट का नाम है, पद का नाम है, उपमात्मक नाम है, और वास्तव में उस परमेश्वर का नाम कबीर देव है, वो कबीर साहब है। वेदों में उसे कबीर देव कहा है, कबीर, कुरान शरीफ में उसको अल्लाहु अकबरू अकबरी, कबीरा खबीरा, खबीरन कबीरन ऐसे बोला गया है। अपनी अपनी जो लैंग्वेज होती है, अपनी अपनी भाषा के आधार से उसी परमात्मा के नाम को थोड़ा बहुत भिन्नता के कारण ही उच्चारण और लिपिबद्ध किया गया है। अब यहाँ वेदों में कबीर देव है, कबीर शब्द है बहुत स्थानों पर, तो व्याकरण के जो ज्ञाता मानते हैं अपने आप को, वो कहते हैं ये कबीर नहीं बनता, वो कहते हैं ये तो कवि शब्द है, कवि, जैसे कवि का दो अपसर्ग लगा दिए
और उसको आगे लिख दिया, अर्थ कर दिया कवि। कहीं पर कबीर देव जो लिखा है, देव माने साहब परमात्मा प्रभु राम देव, तो हम उसको कबीर बोलने लगे। बै हम बै बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, जैसे वेदों को हम वेद बोलते हैं, किसी का नाम वेद प्रकाश है हम वेद प्रकाश बोलते हैं। तो है ऐसे हम कबीर देव कहने लगे उस भगवान को, कहने लगे कबीर साहब कहने लगे। फिर उसमें क्यों देव माने साहब कहो, राम कहो, कबीर राम का राम कबीर कह लो, कबीर अल्लाह कहो, अल्लाह अकबर कहो, अल्लाह कबीर कहो। तो ये जो कहते हैं व्याकरण के आधार से ये कवि बनता है, वो परमात्मा का वास्तविक नाम ही कवि है ये समझो। हम उसको कबीर साहब बोलते हैं, कबीर साहब, जैसे वेदों में कबीर देव लिख दिया तो उसको कबीर देव ही बोला जाएगा। जैसे यजुर्वेद है, यजुर्वेद यदि कहीं पर लिखा है यजु और अपसर्ग लगा रखी है संस्कृत में, उसका जब हिंदी अनुवाद डिफाइन करेंगे, उसको विश्लेषण करेंगे, तो उसका यजुर्वेद लिखना पड़ेगा, यजुर्वेद के बारे में यहाँ बोला गया है। ठीक इसी प्रकार जहाँ कवि शब्द है वेदों में, प्रकरणवश उसका अर्थ कहीं पर कवि भी हो सकता है, लेकिन कवि का अर्थ सर्वज्ञ नहीं हो सकता, ये भूल ना करना। जहाँ जिन्होंने सर्वज्ञ अर्थ किया है वो कबीर देव परमेश्वर कबीर जी की ही महिमा है, वहाँ कबीर देव लिख देना चाहिए। बस वेदों का फिर आराम से आसानी से समझ सकोगे उस अनुवाद को। तो उस परमेश्वर ने स्वयं ही एक तत्वदर्शी संत की भूमिका की और उन्होंने अपने मुखारविंद से उस तत्व ज्ञान को उच्चारित किया, उच्चारण किया, उसका उच्चारण किया। और फिर एक धर्मदास नाम के एक महापुरुष जिन्होंने उस परमात्मा को पहचाना उन्हीं की कृपा से, उन्होंने फिर ये लिपिबद्ध की कबीर वाणी, जो तत्व ज्ञान है, तत्व भेद है। अब गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1-4 और 16-17 को हम फिर से प्रारंभ करते हैं। इसके लिए भूमिका बनाई है। उल्टा लटका हुआ ये संसार रूपी वृक्ष है, ऊपर को जड़ है, जड़ मीन मूल, जैसे पेड़ को आहार यानी पेड़ की जीवन शैली कहाँ से प्रारंभ होती है, जड़ से। मूल से पूरे पेड़ को आहार प्राप्त होता है, पूरे पेड़ का पालक मूल होता है, जड़ होती है। तो सारे ब्रह्मांडों का पालक परमात्मा तो ऊपर है, ऊर्ध्व मूलम, वो मूल संसार रूपी वृक्ष की मूल समझो, वो परम अक्षर ब्रह्म है। और जमीन से जो बाहर, पृथ्वी से जो बाहर दिखाई देता है तुरंत, वो तना होता है। उस तने का फिर एक मोटी डार होती है, बहुत सी मोटी डार होती है, लेकिन उनमें से एक मोटी डार हम लेते हैं इस अपने इस ब्रह्मांड को समझने के लिए और इस अध्यात्म ज्ञान को जानने के लिए। उसमें से मानो एक डार निकली, अब तना तो अक्षर पुरुष अक्षर ब्रह्म समझो, और उसके फिर आगे एक डार मोटी है वो सर्पुरुष समझो, सर्पुरुष जिसको क्षर पुरुष भी कहते हैं, सर्वब्रह्म भी कहते हैं, जिसको ज्योत स्वरूपी निरंजन काल भी कहते हैं। और उस डार के फिर तीन शाखाएं हो, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी रूपी शाखा है जो इस ब्रह्म के पुत्र हैं, और पात रूप फिर संसार है। उस एक डार के आगे तीन शाखाएं, उसके ऊपर जितने पत्ते हैं वो संसार रूपी वृक्ष के ये पत्ते समझो, हम प्राणी। तो परमेश्वर कबीर देव जी ने अपने मुखारविंद से उच्चारित उस वाणी में, यानी ब्रह्मणे मुखे चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में, जिसके विषय में कहा है कि ब्रह्मणे मुखे
सचिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा उच्चारित वाणी में वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान में आध्यात्मिक यज्ञों की जानकारी यानी आध्यात्मिक अनुष्ठानों की भक्ति की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है। और उसको वो कर्मों के द्वारा होती है, कर्म योगी उसको करते हैं और फिर उससे सभी कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। तो यहां बताया है कि वो सचिदानंद घन ब्रह्म ने आकर के अपने मुखारविंद से वो वाणी बोली थी। तो कबीर देव हैं वो परमात्मा कबीर देव हैं जो बनारस में भारत की पवित्र भूमि पर यानी काशी शहर में एक लहर तारा नामक तालाब था। और उस लहर तारा तालाब का नाम कैसे पड़ा कि गंगा का पानी लहरों के द्वारा उछलकर जब वो ओर फ्लो होकर चलती थी वर्षा के सीजन में उछलकर उसके ओर फ्लो होकर के एक बहुत बड़ी झील को भर देता था, उसको लहर तारा नामक तालाब बोलते थे, झील बोलते थे। उसमें कमल के फूल विकसित थे, उस पर कमल के फूल पर आकर के सतलोक से वो परमात्मा आए और अपने उस तीसरे मुक्ति धाम यानी सतलोक से चलकर आए। और यहां एक नवजात शिशु का रूप धारण किया। उसके बाद लीला में तरीके से वो बड़े हुए, एक आम व्यक्ति की तरह सब लीलाएं की परमात्मा ने। फिर जुलाहे का कार्य करने लगे क्योंकि परमात्मा परमेश्वर कबीर देव जी को एक निसंतान दंपति जुलाहा दंपति नीरू और नीमा उठा ले गए थे और वहाँ परमात्मा की परवरिश कुंवारी गायों से हुई, उनके दूध से परमात्मा परमेश्वर कबीर देव जी की रजा से कुंवारी गायें दूध देने लगी और भगवान कबीर जी उनको पीने लगे। धीरे धीरे बड़े हुए, फिर बड़े होकर के वही परमात्मा जुलाहा नाम से प्रसिद्ध हुए, धानक उपमा से प्रसिद्ध हुए क्योंकि उस जुलाहा जाति के अंदर परमात्मा उसी क्रिया में संलग्न रहे, वही कार्य करते थे जिस कारण से उनका नाम जुलाहा पड़ गया, धानक पड़ गया कर्म के आधार से। तो ये वो पूर्ण परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म है। उन्होंने आकर के स्वयं ही बताया है कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी यानी सरपुरुष वाकी डार। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार और तीनों देवा शाखा हैं ये पात रूप संसार। परमात्मा ने परमेश्वर ने अपने जानकारी आप ही आकर दी है और किसको दी है, एक श्रेष्ठ आत्मा धर्मदास जी को दी है। अभी आपको बताया था ऋग्वेद के बहुत सारे मंत्र आपको बताए, उन मंत्रों में ऋग्वेद मंडल नंबर 9, फिर से सुन लीजिए, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 मंत्र 8, 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 1 और सूक्त नंबर 31 के मंत्र नंबर 17 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी सूक्त नंबर 96 मंत्र 16 से 21 और भी अन्य स्थानों पर अन्य वेदों में भी बहुत जानकारी है। इनमें विशेषकर ये स्पष्ट किया गया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा, वो अमर पुरुष तीसरे मुक्ति धाम में रहता है। इन सब का सारांश सुनाता हूँ आपको पुनः, क्योंकि अभी तक ये सुनाने के लिए भूमिका बनी है। वो परम अक्षर ब्रह्म जो पूर्ण परमात्मा है वो ऊपर रहता है एक स्थान पर, एक देशीय है वो,
और वहां से वो गति करके आता है, वहां से सह शरीर चलकर आता है, अपने रूप को सरल करके नीचे आता है। सरल करके, सरल माने आसान करके, हल्का तेज पुंज का करके, सतलोक के अंदर सत्य पुरुष पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी का जो ओरिजिनल शरीर है उसमें करोड़ सूर्य, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा की रोशनी भी फीकी पड़े, इतना तेज है। तो यदि वो परमात्मा उसी शरीर में यहाँ आ जाएं तो हम सभी की आंखें बंद हो जाएं, हम कुछ नहीं देख सकते। इसलिए वो परमेश्वर अपना अन्य एक हल्का तेज पुंज का रूप धारण करके, हल्के तेज का, और मनुष्य के सदृश, वहाँ भी परमात्मा नर आकार है लेकिन वहाँ बहुत तेजों में शरीर है, और वहाँ गई हुई आत्माएं भी तेजों में शरीर युक्त होती हैं, नूरी शरीर की होती हैं, और उनकी आँखें दिव्य दृष्टि होती है। तो वहाँ जो आत्माएं हैं उनकी आँखें भी हमारे जैसी चरम दृष्टि नहीं है, तो उससे वो बहुत देख सकते हैं परमात्मा। तो यहाँ वो हल्का तेज पुंज का रूप बना के वो कबीर देव आता है, और वो अपनी एक श्रेष्ठ आत्मा को प्राप्त होता, अच्छी आत्मा को, दृढ़ भक्त को मिलता है। और उसका उद्देश्य क्या होता है, वो तत्व ज्ञान से उसे परिपूर्ण करता है, तत्व ज्ञान बताता है। और वो अमर पुरुष सत्य पुरुष वो कबीर देव है, वो कबीर साहब है। अपनात्माओं, ये लीला जो वेदों में वर्णित है, आज तक हमने किसी भी जिसको हम भगवान मानते थे, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी, ये लीला हमने किसी के भी इतिहास में नहीं देखी, किसी की पवित्र जीवनी में नहीं देखा। और हम वेदों को श्रेष्ठ मानते हैं, गीता जी को श्रेष्ठ मानते हैं, पुराणों को भी हम सही मानते हैं। तो पुराण और वेदों और गीता में अंतर है। पुराणों के अंदर जो ज्ञान है वो यदि वेदों से हटकर है तो वो किसी ऋषि या ब्राह्मण की या देव की अपनी अनुभूति है, उसका अपना अनुभव है, तो वो मान्य नहीं होता। क्योंकि वेद जो हैं, ये पांच वेद हैं वास्तव में, एक सूक्ष्म वेद जिसको हम तत्व ज्ञान बोलते हैं, तत्व वेद, और चार वेद ये वेल नोन हैं आपके समक्ष। इन पांचों वेदों में जो ज्ञान है वो पूर्ण परमात्मा कबीर देव जी का दिया हुआ है। इन चार वेदों को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, वैसे तो परमात्मा ने पांचों वेद दिए थे, सूक्ष्म वेद भी यानी तत्व वेद भी साथ ही दिया था इस किसको, इस सर पुरुष को जो यहाँ का स्वामी है 21 ब्रह्मांड का। लेकिन इसने हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया, इसने वो पांचवा वेद सूक्ष्म वेद जिसे कहते हैं, तत्व ज्ञान जिसे कहते हैं, वो छुपा दिया, नष्ट कर दिया। और चार वेद हमारे को दे दिए, जिन चार वेदों में महिमा तो पूर्ण परमात्मा की परिपूर्ण है, उसकी जानकारी बहुत है, लेकिन इन चारों वेदों में उस परम अक्षर ब्रह्म के पाणे का मंत्र नहीं है। वो पांचवें वेद सूक्ष्म वेद में था, उस तत्व ज्ञान में था, जिसको इस काल ने इस दृष्टिकोण से नष्ट कर दिया कि कहीं इन सभी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान हो गया, तो ये इस मंत्र का जाप करके और सतलोक चले जाएंगे, यहाँ तेरा राज्य खाली हो जाएगा, तेरा ये क्षेत्र, यहाँ कोई नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ इतना सुख है और यहाँ पर ये घोर दुख सहन कर रहा है प्राणी। इसके पीछे भी इसका एक बहुत षड्यंत्र है, और उस षड्यंत्र के तहत ये हमें यहाँ रोके हुए है। कारण क्या है कि इसने एक गलती की थी सतलोक में, किसने, सर्पुरुष ने, इस 21 ब्रह्मांड के स्वामी ने, सर्पुरुष ने, ज्योत निरंजन ने
या काल कहो काल ने, तो जिसके कारण इसको श्राप लगा कि 100,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को तपतशिला पर भून कर ये नित खाएगा और अपने उस आहार के लिए हमें यहाँ पर रोका हुआ है। पुणात्मा जितने भी आप इस ज्ञान से परिचित होते चले जाओगे उतना ही आपके हृदय में ये तत्व ज्ञान अच्छी तरह समाएगा और आप महसूस करोगे कि सचमुच हम गलत स्थान पर रह रहे हैं। जब तक ये ज्ञान नहीं होता तो हमने इस काल की भांग पी ही रखी है, माया की। धन जोड़ना, कोठी बनाना है, बड़े बड़े कारें खरीद लेना, ये अपना एक उद्देश्य मान रखा है और एक सेकंड में मृत्यु हो जाना, फिर मनमाना गधे की योनि पाना, ये भूल गए तुम, ये हम भूल चुके हैं। उसको याद दिला जाता सत्संग के माध्यम से, परमात्मा के वचनों से जो आदेश है प्रभु का वो सत्संग में सुनाया जाता है। तो यहाँ जो पांचवा वेद इसने गुम कर दिया या इसने बहुत बड़ी गलती करी, हमारे साथ जुल्म किया, उस पांचवें वेद को पुनः हम तक पहुंचाने के लिए स्वयं धनी आते हैं। वो इतने सुख में सतल को छोड़कर हमारे लिए यहाँ पर आते हैं और वो बनारस में आए थे कबीर धानक नाम से, कबीर दुलाहा नाम से प्रसिद्ध हुए। अब वो क्यों आते हैं? क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, हम सभी आत्माएं कबीर देव जी की आत्मा हैं, हम उसके उनकी संतान हैं और हम मिसगाइड हो गए। हम सभी अपनी गलती के कारण इस काल के जाल में फंस गए हैं और अब इसने अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए हमारे को बिल्कुल परमात्मा से दूर कर दिया। चारों वेद इसने दे दिए, उन चारों वेदों में परमेश्वर पाने की विधि नहीं है, उसमें परमात्मा की भक्ति साधना केवल ब्रह्म तक की है, यानी फर्स्ट स्टेप समझो ये, यानी मैट्रिक तक का, दसवीं तक का सिलेबस है चार वेदों में। ब्रह्म तक की जानकारी है, पूर्ण परमात्मा के संकेत हैं, उसके पाने की विधि इसमें नहीं है। उसके लिए फिर हमने, परमात्मा ने आकर ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी यानी अपने मुखारविंद से कबीर वाणी बोल कर वो तत्व ज्ञान हमें दिया। अब यहाँ प्रश्न चल रहा है कि वो परमात्मा स्वयं ही आकर अपना भेद बताता है, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वो स्वयं ही ठीक ठीक बताता है। अथर्ववेद कांड नंबर 4 के अनुवाक नंबर 1 का और मंत्र नंबर 7 में स्पष्ट किया है, 1 से लेकर 7 में पूरी सृष्टि रचना का कोड वर्डों में विवरण है। तो उसमें स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा ने सबसे पहले इन ब्रह्मांडों की रचना की, दुर्गा की उत्पत्ति की, ब्रह्म की उत्पत्ति की, फिर हम सभी आत्माओं की उत्पत्ति की और फिर सभी ब्रह्मांड छोटे से लेकर बड़े तक उस परमात्मा ने रचकर इनको दिए और अपने द्वारा रची हुई सृष्टि की जानकारी वो परमात्मा स्वयं ही ठीक ठीक बताता है, क्योंकि परमात्मा की रची हुई को परमात्मा ही बता सकता है। इसी कारण से आज तक किसी भी सदग्रंथ में यानी सृष्टि रचना का विस्तार से उल्लेख नहीं है, जैसे वेदों में उल्लेख है लेकिन इसको समझ नहीं सका कोई भी। इसके लिए सृष्टि रचना जो परमात्मा ने अपने मुखारविंद से आकर के मौखिक सुनाई है, अपने मुख से सुनाई है, विस्तार से समझाई है अपने भक्तों को, फिर उनके माध्यम से फिर हमने जब वेदों को देखा है तो आसानी से सब सदग्रंथ भी हमारे वही गुणगान कर रहे हैं, वही ज्ञान बता रहे हैं जो परमात्मा ने बताया है। अब प्रसंग चल रहा है कि गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में यह स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को विस्तार से बताएगा और वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला होगा, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है।
तो परमेश्वर कबीर देव जी ने 600 वर्ष पहले अपने मुखारविंद से उत्तरित उस सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कबीर वाणी में कहा है, अक्सर पुरुष एक पेड़ है और सर पुरुष वाकी डार, जिसको निरंजन कहते हैं, ज्योत निरंजन काल, और उस डार के फिर तीन शाखाएं हैं, ये तीनों देवा शाखा हैं और पात रूप संसार। अपने आत्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि जब तत्वदर्शी संत मिल जाए, तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत इस अज्ञान रूपी इस गुत्थी को तत्वज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा काट कर, अर्थात उस तत्वज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा समझ इसको बिल्कुल साफ करके निर्बाध करके, जब ज्ञान आपको तत्व ज्ञान हो जाएगा वो बिल्कुल पूरी रूप से सृष्टि रचना समझ में आ जाएगी, हम किस लिए यहाँ आए हैं, कैसे फंस गए यहाँ पर, हमारी जन्म मृत्यु हो रही है, आज हम संतान और संपत्ति में कितने व्यवस्थित हैं और बड़ा आनंद महसूस कर रहे हैं, चाहे हम बेशक दुखी भी हैं, और अपनी संतान के लिए और अपनी संपत्ति को जोड़ने के लिए पूरा जीवन लगा देते हैं और फिर अचानक मृत्यु हो जाती है, ये क्या कारण है? तो कहते हैं इस अध्यात्म ज्ञान को अच्छी तरह समझकर उस तत्व ज्ञान से, उसके पश्चात गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा है, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते।